हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं एसएसएच इन आरएचईएल 7। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो हम सीखेंगे कि एसएसएच होता क्या है, इसका यूज क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम SSH वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि SSH होता क्या है। SSH का पूरा नाम होता है सिक्योर सेल। SSH का मेनली यूज किसी सिस्टम को रिमोट लोकेशन पर सिक्योरली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। SSH एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए एक सिक्योर वे प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा डेफिनेशन यह हो सकता है, SSH एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज अनसिक्योर नेटवर्क में नेटवर्क सर्विसेज को सिक्योरली ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी अनसिक्योर नेटवर्क में किन्हीं दो पीसी को या दो कंप्यूटर को SSH की सहायता से कनेक्ट करते हैं तो SSH उन दो कंप्यूटर के बीच में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और सिक्योर इंक्रिप्टेड डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे उस अनसिक्योर नेटवर्क में मौजूद नेटवर्क स्निफर उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते। SSH का मोस्टली यूज सिस्टम और एप्लीकेशन को रिमोटली मैनेज करने के लिए किया जाता है ताकि आप रिमोट मशीन पर लॉगिन कर सको, कमांड एग्जीक्यूट कर सको और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सिक्योरली फाइल ट्रांसफर कर सको। इसके लिए SSH का यूज किया जाता है। यहां पर एक वर्ड हमने बोला था, क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल। SSH को क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्यों बोला जाता है? SSH को क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनकोडेड डेटा को ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करता है, यानी SSH इनक्रिप्टेड डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर करता है, इसलिए SSH को क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल बोला जाता है। क्रिप्टोग्राफी एक टर्म होती है जिसमें डेटा को सिक्योर करने के लिए ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसे सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, कोई भी ह्यूमन उसे रीड नहीं कर सकता है। जैसा अभी मैंने बताया कि SSH का यूज किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। SSH से पहले किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट का यूज किया जाता था। क्योंकि टेलनेट सिक्योर नहीं था इसलिए टेलनेट को SSH से रिप्लेस कर दिया गया था। अब SSH और टेलनेट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्लाइंट मशीन है जो इस रिमोट सर्वर को यहाँ पर टेलनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहता है और इसके लिए इंटरनेट यूज कर रहा है, यानी जब ये क्लाइंट मशीन इस सर्वर को डेटा सेंड करेगा तो ये जो डेटा है वो इंटरनेट से होकर के जाएगा। टेलनेट कभी भी डेटा सेंड करने से पहले इस क्लाइंट मशीन और इस सर्वर मशीन के बीच में सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता है। दूसरा, टेलनेट डेटा प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लाइंट मशीन इस रिमोट सर्वर को यहां पर एक्सेस करना चाहता है टेलनेट के थ्रू, तो इस रिमोट सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये क्लाइंट मशीन यूजर नेम पासवर्ड इस सर्वर को सेंड करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेलनेट प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करता है और मैंने ये भी बताया था कि ये जो क्लाइंट जो भी डेटा सेंड करेगा वो इंटरनेट से होकर के जाएगा इस सर्वर के पास में, तो टेलनेट ये जो यूजरनेम और पासवर्ड सेंड कर रहा है इस सर्वर मशीन को वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड हो रहा है और इंटरनेट से होकर के जा रहा है। तो आप सब जानते होंगे कि इंटरनेट एक अनसिक्योर नेटवर्क कहलाता है क्योंकि
इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्क स्निपर मौजूद होते हैं जो आपका डेटा मिडिल में चोरी कर सकते हैं, क्योंकि टेलनेट डेटा प्लेन टेक्स्ट में सेंड कर रहा है और इसके बीच में इस सर्वर मशीन और क्लाइंट मशीन के बीच में कोई भी सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी नेटवर्क स्निपर इस डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकता है। अगर कोई स्निपर इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो आसानी से इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है और इस सर्वर मशीन और इस क्लाइंट मशीन के बीच में कोई भी सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। यानी टेलनेट से जब भी आप डेटा सेंड करते हैं तब आपका डेटा सिक्योर नहीं रहता है, मिडिल में उसे कोई भी चोरी कर सकता है, इसलिए टेलनेट को सिक्योर नहीं माना जाता है। अब यदि यही टास्क अगर आप एसएसएच के थ्रू करते हैं तो क्या फर्क आता, देखिए मान लीजिए ये क्लाइंट इस रिमोट सर्वर को एसएसएच के थ्रू एक्सेस करना चाहता है और यहां पर भी इंटरनेट यूज हो रहा है, यानी ये जो भी डेटा सेंड करेंगे वो इंटरनेट से होकर के जाएगा। तो जब भी आप एसएसएच यूज करते हैं तब एसएसएच सबसे पहले इस सर्वर मशीन और इस क्लाइंट मशीन के बीच में सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल क्रिएट करता है और उसके बाद इसमें डेटा सेंड होता है, और जो डेटा सेंड होता है वो भी इंक्रिप्टेड होता है। यानी ये जब भी क्लाइंट मशीन इस सर्वर को डेटा सेंड करेगा तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। तो यहां पर डबल सिक्योरिटी है, पहला तो यहां पर एक सिक्योर टनल है, एक सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल है, दूसरा यहां पर जो डेटा सेंड हो रहा है वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है। तो जब भी कोई नेटवर्क स्निपर मिडिल में इस डेटा को एक्सेस करने की ट्राई करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिक्योर इंक्रिप्टेड टनल में से डेटा जा रहा है। यानी इस टनल में जो डेटा सेंड हो रहा है उसे या तो ये सर्वर मशीन एक्सेस कर सकता है या फिर क्लाइंट मशीन एक्सेस कर सकता है, इनके अलावा तीसरा कोई भी मशीन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि किसी भी तरह इस स्निपर ने इस डेटा को एक्सेस कर लिया तब भी आपका डेटा सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर ये स्निपर इस डेटा को एक्सेस कर भी लेता है तब भी ये डेटा इसके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसे रीड करने के लिए इसे इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और डिक्रिप्ट करने के लिए जो की चाहिए वो या तो इस क्लाइंट के पास होगी या फिर सर्वर के पास होगी, एंड इन दोनों के अलावा इस डेटा को डिक्रिप्ट कोई भी नहीं कर सकता है। यानी एसएसएच जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो सिक्योर रहता है, उसे मिडिल में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी चोरी नहीं कर सकता, इसलिए एसएसएच को सिक्योर माना जाता है। तो ये था डिफरेंस टेलनेट और एसएसएच में। अब बात करते हैं एसएसएच के एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि एसएसएच सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा ये रिमोट कमांड लाइन लॉगिन प्रोवाइड करता है, तीसरा ये रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन इनेबल करता है, एसएसएच के थ्रू आप रिमोट मशीन पर कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चौथा एसटीपी के थ्रू आप एक होस्ट से दूसरे होस्ट में सिक्योरली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। एसटीपी का पूरा नाम होता है सिक्योर कॉपी, और ये एसएसएच का बिल्ट इन कमांड होता है। एसएसएच के थ्रू आप सिक्योरली फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। एसएसएच ऑल्सो प्रोवाइड पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, यानी एसएसएच पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, और इसके लिए एसिमेट्रिकल इंक्रिप्शन यूज करता है। ओपन एसएसएच एसएसएच का फ्री वर्जन है जो लिनक्स में यूज होता है, विंडोज में इसका क्लाइंट होता है पुट्टी, उसी तरह अलग अलग ओएस के लिए इसका अलग होता है क्लाइंट, जैसे लिनक्स के लिए ओपन एसएसएच है, विंडोज के लिए पुट्टी है। टेलनेट से काफी बेटर है, और टेलनेट से किस तरह ये सिक्योर है यह भी हमने देखा था पिछले अभी एनिमेशनों में देखा था कि टेलनेट और एसएसएच में कितना डिफरेंस है। ओपन एसएसएच डेटा सेंड करने से पहले इसे इंक्रिप्ट करता है और उसके बाद उस डेटा को सेंड करता है,
ओपन एसएसएच दो क्लाइंट दो कंप्यूटर के बीच में सिक्योर टनलिंग एंड सेवरल ऑथेंटिकेशन मेथड प्रोवाइड करता है जिससे वो डेटा सिक्योर रहता है। ओपन एसएसएच ने टेलनेट और आर लॉगिन को रिप्लेस किया एसएसएच से, आरसीपी को रिप्लेस किया एससीपी से और एफटीपी को रिप्लेस किया एसएफटीपी से। तो ये थे एडवांटेज एसएसएच के। अगर आप एसएसएच यूज करते हैं तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं एसएसएच के सर्वर प्रोफाइल के बारे में। तो अगर आपको एसएसएच यूज करना है लिनक्स मशीन पर तो उसके लिए आपको आपके लिनक्स मशीन में ओपन एसएसएच पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। एसएसएच का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है TCP 22। इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है SSHD_config और यह फाइल स्टोर होती है /etc के अंदर /ss डायरेक्टरी के अंदर। इसका डोमेन होता है SSHD। अब बात करते हैं SSH कमांड के बारे में। सबसे पहला कमांड है इसका SSHD। ये एक डेमन सर्विस है जो SSH सर्वर को इंप्लीमेंट करती है। SSH ये रिमोटली लॉगिन करने के लिए और कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। इस कमांड का यूज रिमोटली लॉगिन करने के लिए और कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। थर्ड कमांड है SCP। SCP कमांड का यूज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सिक्योरली फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। SSH कीजन, इसका यूज पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है SSH-agent। यह कमांड RSA ऑथेंटिकेशन के लिए प्राइवेट की होल्ड करता है। नेक्स्ट कमांड है SSH-aid। ये ऑथेंटिकेट एजेंट में RSA आइडेंटिटीज को ऐड करता है। नेक्स्ट कमांड है SSH-copy-id। ये क्लाइंट मशीन से पब्लिक की को सर्वर पर एज एन ऑथराइज की के रूप में इंस्टॉल करता है। यानी जब आप क्लाइंट मशीन पर पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट करेंगे की बेस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको पब्लिक की को ऑथराइज की के रूप में सर्वर पर इंस्टॉल करना होता है। तो उसके लिए आप SSH-copy-id कमांड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं SSH क्लाइंट ओपन SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में। तो ये दो सेट होते हैं इसके, पहला क्लाइंट प्रोग्राम के लिए, दूसरा सर्वर डेमेन के लिए। पहले बात करते हैं सिस्टम वाइड SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में। सिस्टम वाइड SSH कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन /etc/ssh डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। ये से कुछ फाइल है मॉड्यूली ssh_config। ये सिस्टम वाइड डिफॉल्ट SSH क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। नेक्स्ट फाइल है SSHD_config। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये SSH सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें SSH की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि SSH का पोर्ट नंबर कौन सा यूज करेगा, कौन सा ऑथेंटिकेशन मेथड यूज करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर स्टोर होती है। और ये फाइल होती है /etc के अंदर /ssh डायरेक्टरी के अंदर। नेक्स्ट है SSH_host_DSA_key। ये DSA प्राइवेट की होती है जो SSHD डेमन के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट फाइल है SSH_host_DSA_key.pub। ये DSA पब्लिक की होती है जो SSHD डेमन के द्वारा यूज की जाती है। नेक्स्ट है SSH_host_key। ये RSA प्राइवेट की होती है जो SSHD डेमन के द्वारा SSH वर्जन 1 के लिए यूज की जाती है। और ये जो नेक्स्ट फाइल है ये RSA पब्लिक की होती है जो SSHD डेमेन के द्वारा SSH प्रोटोकॉल वर्जन 1 के लिए यूज की जाती है।
SSH host underscore RS underscore key. ये RS private key होती है जो SSH daemon के द्वारा version 2 के लिए use की SSH version 2 के लिए use की जाती है. और ये जो next file आई है SSH underscore host underscore RS underscore key dot pub, ये RS public key होती है जो SSH daemon के द्वारा SSH protocol version 2 के लिए use की जाती है. अब बात करते हैं यूजर स्पेसिफिक SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में. तो यूजर स्पेसिफिक SSH कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन डायरेक्टरी होती है SSH, उसके अंदर स्टोर होती है. यानी जब भी आप किसी क्लाइंट मशीन से या क्लाइंट मशीन पर पब्लिक और प्राइवेट की क्रिएट करते हैं, तो वो उस यूजर की, जिस यूजर से आपने लॉगिन कर रखा है, उस यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट होती है SSH, और उसके अंदर पब्लिक की और प्राइवेट की स्टोर होती है. नेक्स्ट फाइल है ऑथराइज अंडरस्कोर कीज. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है. इस फाइल में ऑथराइज पब्लिक की लिस्ट होती है और यह फाइल सर्वर पर स्टोर होती है. जब कोई क्लाइंट किसी सर्वर से कनेक्ट होता है, तो सर्वर उस क्लाइंट को इस फाइल में रजिस्टर पब्लिक की से ऑथेंटिकेट करता है. वो चेक करता है कि जो क्लाइंट की, जो पब्लिक, जो जिस क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, उसकी पब्लिक की इस फाइल में रजिस्टर है या नहीं. उसका नेक्स्ट फाइल है आईडी अंडरस्कोर डीएसए. ये डीएसए प्राइवेट की होती है जो यूजर के लिए यूज होती है. ये डीएसए पब्लिक की होती है यूजर की. आईडी अंडरस्कोर डीएसए डॉट पब. ID underscore RSA, ये RSA की private key होती है, RSA private key होती है. ID underscore RSA, ये RSA private key होती है जो SSH version 2 के लिए use होती है. ID underscore RSA dot pub, ये RSA public key होती है जो SSH version 2 के लिए use होती है. Identity, ये RSA private key होती है जो SSH वर्जन 1 के लिए यूज होती है. ध्यान रखिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये यूजर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में बात कर रहे हैं, और जो पहले हमने पढ़ा था वो सर्वर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी. आइडेंटिटी डॉट पब, ये आरएसए पब्लिक की होती है जो एसएस वर्जन 1 के लिए यूज होती है. और सबसे लास्ट वाली फाइल है नॉन अंडरस्कोर होस्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है. इसके अंदर डीएसए होस्ट की होती है उन सर्वर्स की जो यूजर ने एक्सेस की है अभी तक. ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंश्योर करने के लिए कि जो क्लाइंट है एसएसएच क्लाइंट, वो करेक्ट एसएसएच सर्वर से कनेक्ट हो रहा है या नहीं. नेक्स्ट, हाउ एसएसएच वर्क्स. तो एसएसएच वर्क कैसे करता है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. तो इस वीडियो हमने सीखा कि SSH क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, और टेलने से किस प्रकार ये सिक्योर है, और इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन कौन से होती हैं. तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.